हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का मेरा रहेगा वीडियोस और ब्लॉगिंग करते करते बहुत सारे ब्लॉग हो गए, तो मैंने कहा चलो आज का वीडियो शूट करते हैं। और जैसे कि आपने देखा, आजकल मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब पे सेल लगी है, एकदम धांसू सेल लगी है। ठीक है, तो ये मेरी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो मैंने ड्रेसेस या जो भी मैंने चीज़ें मंगाई है बस उसी के ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए, ताकि अगर आपको भी ये डील पसंद आए तो आप भी आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आजकल नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में इजी वीजी कैरी करने के लिए बहुत सारे हमें क्लोथ चाहिए होते हैं, या फिर आगे कोई भी फंक्शन पार्टी, छोटी मोटी दीपावली हो गई, या फिर आगे कुछ भी होता रहता है, भैया दूज और बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिफरेंट, हम चाहते हैं कि हर बार हमारी कुछ न्यू ड्रेसेस हो, न्यू क्लोथ कुछ भी हो, ऐसे है ना। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। आज का वीडियो रहेगा मेरा अमेजोन हॉल वीडियोस, तो जिसमें मैं आपको कुर्ती दिखाऊंगी जो मम्मी ने अपने लिए मंगाई, लेकिन ट्राई करके मैं बताऊंगी आपको कैसी लगती है, उनका कपड़ा कैसा आया हुआ है और उनकी रेंज कितनी है। और थोड़े से मैंने वैसे अपने लिए सामान, सानवी के लिए सामान मंगाया था वो भी दिखाऊंगी, मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने, वो बस सरप्राइज़ था हमारे लिए कि हाँ तुम्हारे लिए भी कुछ मैंने ऑर्डर किया है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा मेरी वीडियोज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कुर्ते से, है ना। तो फर्स्ट मैं आपको, नहीं कुर्ते से शुरू नहीं करेंगे, मैं अपनी रिंग लाइट से शुरू करती हूँ। तो मेरे पास छोटा सा ट्राईपॉड है जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ अपना फ़ोन रख के, सिंपल सा। तो इस बार मेरे को बहुत टाइम से मन था कि मैं रिंग लाइट वाला ट्राईपॉड लूँ, बट हमेशा वो मेरी रेंज से बाहर ही होता है। जब भी महीने के एंड में मेरी पॉकेट मनी ख़त्म होने वाली होती है तब मुझे याद आता है कि अरे मुझे रिंग लाइट लेनी थी, बट वो तब तक थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। बट इस बार जब सेल लगी थी अमेज़ॉन पे, तो मेरे हस्बैंड ने, वो 15,000 या 2,000 के समथिंग था, तो मिल रहा था वो सिर्फ 800 रुपये में, तो वो मेरे लिए एज अ गिफ्ट लिया है। तो ये है मेरी रिंग लाइट, टन टन है, और इसके साथ आया ये ट्राईपॉड जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है। वैसे हो गए ऐसे 2-3 दिन आए हुए, लेकिन बस मैं ओपन करने की सोच रही हूँ। ऐसे सोची कि कहाँ पे मैं इसे सटीक से बैठाऊँ, क्योंकि जब सानवी स्कूल जाती है, जब वो सोती है उसी टाइम में अपना वीडियो शूट करती हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि मुझे पूरा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो रिंग है और फिर उसमें थोड़े से नट्स और नेट वगैरह हैं उसके, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसे आया है, तो अभी ये पूरा बंद ही पड़ा है क्योंकि मैंने खोल के ही नहीं देखा है ना। तो ऐसे है, इसमें लाइटिंग का कुछ चेंज करने का सिस्टम है इसमें, और ये है रिंग लाइट मेरी, ये देखो टन टन है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था, मेरा ये गिफ्ट था, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है इस बार मैं तुझे रिंग लाइट गिफ्ट करूँगा, मतलब वो बाद में बताया। और ये इसमें नट हैं, तो सानवी क्या करती है, वो उसे अगर कहीं भी मेरा ट्राईपॉड दिखता है तो उसे लेके घूमती है, तो मेरे को कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो अभी मैंने इसे रखा हुआ है। तो जस्ट मैं सोच रही कि इसके लिए मैं कहीं पे स्पेस बनाऊंगी जहाँ पे सानवी ना देखे, और उसके बाद मैं वहाँ पे अलग से अपना वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा रूम है, मैशअप हुआ रहता है कि हमेशा मैं शूट कर लेती हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट जब मैं अपना ऐसा रूम डेकोरेट करूँगी और इसे कहीं सटीक जगह लगाऊँगी, उसके बाद मैं अपना सारी वीडियो ऐसे शूट किया करूँगी। ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह तो बाहर ही होती है, लेकिन वैसी वीडियो ऐसे शूट करूँगी। तो फर्स्ट मेरे को ये लगा कि बहुत ही अच्छा मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला है। तो भाई जब कोई चीज़ ऐसे फ्री में मिली हो विदाउट तुम्हारी पॉकेट मनी कट किए हुए, तो अच्छी लगती हो, मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट मुझे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, जो मम्मी ने अपने लिए मंगाए थे कुर्ते सेट, जो अमेजोन से मिले मम्मी को 590, मतलब 600 के अंदर ही है दो कुर्ते। बिजली इतनी तेज़ी से चमकी ना, अभी बाहर ना मौसम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, तो बिजली एकदम से तेज़ी से चमकी, मतलब मेरे फेस पे यहीं पे आके रुकी हुई, हे भगवान। तो फर्स्ट फटाफट से शूट कर लेती हूँ, नहीं तो पता चला मैं भी निकल ली। तो फर्स्ट है ये ग्रीन कलर का कुर्ता सेट जो मम्मी ने एक्सल साइज में मंगाया, तो इसमें है ये ब्लू कुर्ता जो मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी, ये है एक्सल साइज, ठीक है। और इसका कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि क्या बताऊँ मैं, बट मुझे फिट नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा चिमटी लगा के सेट कर दूँगी। और एक इसके साथ है दुपट्टा सिफोन का, जिसमें हल्का हल्का ये डिज़ाइन किया हुआ है, देखो ठीक है, क्वालिटी एक नंबर है, और पहनने के बाद और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके साथ है ये पैंट जो
एकदम सॉफ्ट मटेरियल, और 600 में कुछ नहीं मिलेगा। तीनों चीज़ें तो अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे तीनों चीज़ें तो कभी नहीं मिलेंगी, और उसके हिसाब से तो ये बहुत ही बेटर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट है ये कुर्ता सेट, और जिसे मैं पहन के दिखाऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में, पहले दूसरे वाले की अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस ये आया है कुछ ऐसा देखो, और मुझे भी एकदम फिट आ रहा है। थोड़ा सा मैंने इस बैग में चिमटी लगाई है, पर कोई बात नहीं, अभी मैंने कहा चलो ठीक है पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। पर बहुत ही शानदार सा लग रहा था मुझे, ये देखो इसका दुपट्टा देखो, मुझे तो गाना भी आ रहा है, घूमरे 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 घूमर घूमरे। और ये देखो इसका कुर्ते, और ये है इसका पैंट, ठीक है ग्रीन कलर की इसकी पैंट है, पर इसका दुपट्टा एकदम सॉफ्ट सा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा, मुझे लगा मुझे भी मंगा लेना चाहिए था, पर कितना शानदार लग रहा मुझे, तो मुझे तो ये बहुत ही शानदार लसा लगा। बस थोड़ा सा मुझे लूज है, नहीं तो मैं ही पहन लेती इसे डांस करते करते। टन 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 टन। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला कुर्ता, देखो मेरी फोटो खींच लो। तो थोड़ा सा लूज जरूर रहेगा मुझे वो, है ना, जो अभी आपने देख लिया कि कैसे रहता है। सेकेंड है ये मेरा, मेरा नहीं मम्मी का, एक्सल साइज में मम्मी ने ये ऑर्डर किया था। तो ये है, वो ब्लू था ब्लू ग्रीन, और ये पिंक और ग्रीन शेड में है। तो ये मम्मी को इस बार टाई एंड टाई वाले ज़्यादा पसंद आए थे, कि मुझे टाई एंड टाई वाला पसंद है तो ले लेते हैं। गोसरी, कोई गोसरी कंपनी की है, ठीक है, मम्मी ने अभी तक इसका टैग भी नहीं निकाला है। तो ये कुछ ऐसा है देखो, पर लेकिन दोनों का कपड़ा इतना सेम है और इतना ज़्यादा फाइन है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा मुलायम और ईजी टू कैरी, कि कभी भी हम उसे कैरी कर सकते हैं किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए तो कैरी कर सकते हैं। यह है इसका पिंक प्लाजो जो बहुत ही शानदार सा लग रहा था, और ये है इसके साथ ये दुपट्टा, थोड़ा इसका कुछ अलग सा कपड़ा कहेंगे, इसे समझ नहीं आता मुझे कौन सा कपड़ा है, लेकिन पहनने के बाद दिखाऊंगी ये कौन सी चीज़ें। तो इसमें थोड़े साइड में लटके हुए फुंदड़े से, ठीक है, तो दो कुर्ते ये हो गए मम्मी के ये, और अब मैं इसे आपको फटाफट से पहन के दिखाती हूँ, चलो। सो गाइस आई इस कुर्ते की बारी, जो बहुत ही शानदार सा लग रहा था, तो मुझ पे शायद लग रहा है कि दोनों ही कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दुपट्टा भी देखो इसका कितना अच्छा है, और एकदम हैवी हैवी सा है ना, तो ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा, उसका सिफॉन में था तो वो ऐसे हम नेक पे आराम से ले सकते थे इसका। तो ये रहा इसका कुर्ता, देखो पूरा प्रॉपर कुर्ता इसका ये है, जिसमें ग्रीन और पिंक कलर के इसमें स्टैंडिंग लाइन में कुछ बना हुआ। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा लूज है, क्योंकि मम्मी का साइज़ है तो मुझे अब कौन सी बात आएगा नहीं। तो ये है मम्मी का साइज़, तो बट लेकिन बहुत ही शानदार लग रहा है, तो मैं सोची मैं भी इसके दो ही कलर मंगा ही लेती हूँ, उसमें तो मेरी इतनी फोटो है जैसे कि इसमें भी मुझे मन कर रहा है। और इसकी है पिंक कलर की पैंट, जो बहुत ही शानदार लग रही है, किसी के साथ भी हम मैच कर सकते हैं, अगर कोई भी हमारे पास पिंक कलर का कुर्ता हो या पिंक कलर का कुछ भी, तो किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं। तो इसे अब मैं दिखाती हूँ आपको ऐसे टाई एंड टाई करके। हाँ थोड़ा सा ये नेक में थोड़ा हैवी बल्की सा लगेगा, शिफॉन के अकॉर्डिंग शिफॉन वाला थोड़ा सा चिपक जाता है, ये थोड़ा बल्की सा लगेगा। इसमें हमें सिंपल ऐसा ऐसे लेना पड़ेगा ऐसे, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू शिफॉन वाला। तो कैसा लग रहा मुझे, तो सारे गानों में डांस लगा है, मैं तो ना। और देख लिया आपने मुझे इन्हें दोनों पहने हुए, और ये है लास्ट मेरा पीस जो मेरे हस्बैंड ने सानवी के लिए स्कूटर मंगाया। तो इसकी भी सेल लगी हुई थी, तो उन्हें ये सही रेट पे पड़ा, उन्हें मुझे बताया नहीं अभी तक कि इसका रेट कितना है प्राइस कितना है, तो पूछ के मैं जरूर से मेंशन कर दूँगी या फिर पूछोगे तो। और इसकी क्वालिटी है एक नंबर, बहुत ही शानदार। और सानवी को जब हम उसकी फर्स्ट साइकिल लेने गए थे तब से ऐसी स्कूटर पसंद आई थी, लेकिन हम उसके लिए ले नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटी थी, हमने सोचा स्कूटर में से गिर जाएगी, लेकिन जब हम उसके लिए लेके आए तो वो एकदम मस्त करके उसे चला रही है, तो हमको चलो ठीक है उसके हिसाब से बेटर है। तो मुझे अच्छा लगा कि वो इसे चला पा रही है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अच्छा इसने ऐसा क्या किया। तो चलिए, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि मेरे चैनल को। बहुत जल्द मैं आपको फ्लिपकार्ट वाला हॉल भी लेके आने वाली हूँ, थोड़ा एक दो दिन तक लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पार्सल ऑन द वे हैं, तो बस थोड़ा एक दो दिन तक लेके आऊँगी, लेकिन लेके ज़रूर आऊँगी। और बहुत ही शानदार चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की हैं, बस आई होप कि वो वैसी ही आए जैसी मैंने ऑर्डर की है, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।